हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं शेर और लिपट को अपने शिकार के साथ खेलते हुए, और शिकार इनके हाथ से बचकर भी निकल जाता है। लिपट और शेर एक ऐसे शिकारी हैं, अगर इनके हाथ कोई शिकार लग जाए तो फिर वो चाहे बड़ा जानवर हो या छोटा, उसे अपनी जान बचा पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि हर एक क्लिप में कुछ नया देखने को आज मिलेगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हो, एक लिपट इम्पाला के बच्चे को पकड़कर लेकर आया है, और यह इम्पाला के बच्चे के साथ कोई अटैक नहीं करता है, बल्कि उसके साथ खेलता रहता है। मगर इम्पाला का बच्चा यह जानता है कि ये मेरी माँ नहीं है। इम्पाला का बच्चा भागने की कोशिश करता है तो लिपट फिर से उसे पकड़ लेता है। और जब इम्पाला के बच्चे के साथ लिपट काफी देर खेल लेता है तो लिपट इम्पाला के बच्चे को छोड़ देता है। ये लिपट एक बंदर के बच्चे को पेड़ पर खेलता हुआ देख लेता है। लिपट जब देखता है बंदर की माँ उससे दूर है, तो फिर लिपट अपनी चाल को बंदर के बच्चे की तरफ बढ़ाने लगता है। लिपट देखता है कि चारों तरफ आसपास बंदर नजर नहीं आ रहे हैं, तो फिर यह तेजी से बंदर के बच्चे की तरफ बढ़ने लग जाता है और उसी पेड़ पर चढ़ जाता है। बंदर का बच्चा लिपट को देख लेता है और भागने की कोशिश करता है। उससे पहले भाग पाता लिपट अपने पंजों को बढ़ाकर बंदर के बच्चे को पकड़ लेता है। बंदर के बच्चे को लिपट अपने मुंह के दांतों से पकड़कर लेकर चल पड़ता है। लिपट की आवाज एक बंदर जब सुनता है तो वो चिल्ला देता है। बंदर के सारे साथी आ जाते हैं। लिपट बंदर के बच्चे को छोड़कर अपनी जान बचाता हुआ वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों, अपने प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हो, जंगल का राजा इम्पाला के बच्चे को उठाकर लेकर यहाँ आया है, और अटैक करने के बजाय, अपना भोजन बनाने के बजाय इसके साथ खेल रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब शेर शेरनी या लिपट अपने शिकार पर अटैक करते हैं तो सबसे पहले वो गले को ही पकड़ते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हो, शेरनी इम्पाला के बच्चे के गले को पकड़ने की कोशिश करती है तो शेर शेरनी को मारकर वहां से भगा देता है। शेर जब इम्पाला के बच्चे के साथ खेल लेता है तो इम्पाला के बच्चे को शेर छोड़ देता है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, ताकि आगे भी ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए हम बना सकें। तो चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।